बहुत सारे इंडिया में कितने सारे लेडीज के प्रॉब्लम्स है कि वो मिसकैरेज हो जाता है या फिर वो कंज्यूम होता है पर वो लंबे समय तक कर नहीं पाते, कई बार अर्ली डिलीवरी हो जाती है, कई बार बहुत सारे ट्रीटमेंट का सहारा लेने के बावजूद भी बहुत अच्छे से प्रेगनेंसी वो ठहरती ही नहीं है। चाहे हम लामाफेरा हीलिंग थेरापी सीखे, क्रिस्टल हीलिंग थेरापी सीखे, एंजल थेरापी सीखे, ऐसी बहुत सारी हीलिंग मॉडलिटीज सीखने के बाद भी हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं अटक जाती है, हमें पता नहीं चलता, तो हम उसको कैसे पहचाने। इसलिए मैं आपको आज एक ऐसा सिंबल देने वाला हूँ जिसके द्वारा आप बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। पहले इसे प्लस का चिन्ह बनाइए, प्लस यानी कि एक सीधी लाइन बनाइए, फिर एक ऐसी लाइन बनाइए वर्टिकल, ओके। बीच में से एक लाइन एंटी क्लॉकवाइज खींचे, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, ऐसे 3 लाइन खींचे, ऐसे आधा चक्र में ड्रॉ कर दीजिए और फिर फुल पावर से कंटिन्यूसली उस वाइब्रेशन को करते जाइए, देते रहिए अपने दोनों चक्रस पर, करते जाइए। वुमेन की बात है, सबसे पहले वुमेन की बात करो, आपके सारे ब्लॉकेजेस विदिन वन वीक के अंदर खुलेंगे, टूटेंगे बहुत अच्छे से। ओम सिंबल का प्रयोग करने से ये सबसे फास्ट इफेक्टिवली यूज होगा। हाय दोस्तों, आई एम डॉक्टर जय भावसार, योर स्पिरिचुअल ट्रेनर। आज का हमारा टॉपिक मेल और फीमेल यानी कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए खास इंपॉर्टेंट है। काफी लोगों के सवाल मेरे पास आए, उसकी वजह से ये वीडियो मैंने पब्लिकली फाइनल दिया। आज का हमारा टॉपिक है कि जब हमारी एनर्जी को ये सातों चक्र में से मैक्सिमम पुरुषों और स्त्रियों की एनर्जी जहां अटक जाती है, जिसके द्वारा हमारी बॉडी में ब्लॉकेजेस पर ब्लॉकेजेस बनते जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम इतनी सारी हीलिंग करते जाते हैं फिर भी हमें कोई फायदा क्यों नहीं मिलता। बहुत में से देखा जाए तो 10 में से करीब करीब 4 लोगों को ये समस्या आती है। जब हम रेकी के सारे स्टेज कंप्लीट कर देते हैं, जब हम बहुत हाई पावर की हीलिंग थेरेपी सीखते हैं, चाहे हम लामाफेरा हीलिंग थेरेपी सीखे, क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी सीखे, एंजल थेरेपी सीखे, ऐसी बहुत सारी हीलिंग मॉडलिटीज सीखने के बाद भी हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं अटक जाती है, हमें पता नहीं चलता, तो हम उसको कैसे पहचाने, कैसे हम उसको बहुत सही तरीके से क्लिक करें और उसको उस ब्लॉकेज को हटा पाए। कभी कभी हमें, मेरे स्टूडेंट को कभी कभी ऐसा सिचुएशंस आने के बाद मैं उनको पर्सनली केस को संभालता हूँ और वो ब्लॉकेजेस को तोड़ के देता हूँ जब आपके एनर्जी का फ्लो बढ़ना शुरू हो जाता है। जब हम हीलिंग लेते हैं अपने ऊपर शुरुआत में, जब आपके मास्टर, आपके रेकी टीचर या जो भी हीलर्स के पास आप जाते हो, तब आपके ऊपर जो अटूनमेंट करते हैं, जो पावर देते हैं, जब आपके सिर पर वो हाथ रखते हैं, जब आपके चक्रस धीरे धीरे ओपन होना शुरू हो जाते हैं, एक्टिवेट होना शुरू होता है, तो आपके चक्रस फट धीरे 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 करके वो ओपन करके तो दे ही देते। बट यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जब आप रेगुलर अभ्यास करते हो, शुरू में आपको बहुत एनर्जी फील होती है, आप बहुत अच्छा फील करते हो, बहुत सारे चेंजेस फील होते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं वो एनर्जी अटक जाती है। एक लेवल पर आके वो अटकने के बाद फिर वो ग्रो नहीं कर पाती। तो ऐसे कुछ सवाल काफी सालों से आए जब मैंने देखा कि ये एक व्यक्ति के नहीं, कई व्यक्तियों के प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि हमारी डेली लाइफस्टाइल में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें पता नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी ऑरा में नेगेटिव ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, हमारे ब्लॉकेजेस बन जाते हैं, हमारे आजू बाजू ऐसे नेगेटिव लोग, नेगेटिव वातावरण, या फिर हमारी लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं होने की वजह से, हमारा खान पान प्रॉपर नहीं होने की वजह से ये सारी चीजें आती है। तो उसकी इस पार्ट के ऊपर मेरा जो दूसरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पहले इसको समझ लीजिए क्या होता है। ज्यादातर फीमेल की एनर्जी सैक्रल चक्र और मणिपुर चक्र में यानी कि सोल प्लेक्सस चक्र में अटकी हुई है, यानी कि नाभि के ऊपर का ये जो चक्र है वहां पर सबसे ज्यादा वुमेन की एनर्जी अटकी हुई है, और उसकी वजह से वुमेन में वेट गेन के प्रॉब्लम्स आते हैं और वो मेंटली ज्यादा स्ट्रेसफुल होने की वजह से भी, मतलब छोटी छोटी चीजों को सेंसिटिवली माइंड पर लेने की वजह से, और कंटिन्यूसली हम हीलिंग के द्वारा उसको हील कर भी रहे पर पूरी तरीके से वो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता, वो डिटॉक्सिफाई होते ही नहीं, क्लियर नहीं हो पाता, और वो स्वाधिष्ठान चक्र में आती है। तो उसकी वजह से जब आपका मैरिज होता है, जब नई नई लेडीज का 22-25 साल का मैरिज टाइम आता है और वो बच्चे कंज्यूम नहीं कर पाता है, बहुत सारे इंडिया में कितने सारे लेडीज के प्रॉब्लम्स है कि वो मिसकैरेज हो जाता है या फिर वो कंज्यूम होता है पर वो लंबे समय तक कर नहीं पाते, कई बार अर्ली डिलीवरी हो जाती है, कई बार बहुत सारे ट्रीटमेंट का सहारा लेने के बावजूद भी बहुत अच्छे से प्रेगनेंसी वो ठहरती ही नहीं है। और मेल में सबसे ज्यादा वो एनर्जी रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र में वो एनर्जी अटकी हुई है। रूट चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चक्र मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे रेकी कोर्स में, हर एक कोर्स में चक्रस पर 3 चक्र आपकी फिजिकल और मेंटल फिटनेस पर वर्क करता है। इसलिए मैं आपको आज एक ऐसा सिंबल देने वाला हूँ जिसके द्वारा आप बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे।
ओम सिंबल है जो करुणा रेकी का बहुत हाई पावर का सिंबल है। अगर आपके पास रेकी थर्ड लेवल का पावर है, आपने एंजल थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग या अदर अदर हाई लेवल की थेरेपी सीखी हुई है, लामा फेरास के सिंबल्स है, तो सबसे पहले ओम सिंबल को कैसे यूज किया जाता है। सिंपली हम रेकी का आह्वान करते हैं या फिर लामा फेरा के सिंबल्स में बुद्ध भगवान का प्रार्थना करते हैं, उसके बाद उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद हम हील करना शुरू करते हैं। तो जैसे हम दोनों हाथों पर टच करके, दोनों चक्रस पर टच करके जो एनर्जी हम स्प्रेड करते हैं, एनर्जी जब हमारी जाती है चक्रस में, हमारी ऑरा में, और उसके बाद धीरे 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 हम आधना चक्र में सिंबल्स ड्रॉ करते हैं, या फिर अगर आपने मास्टर लेवल के सारे सिंबल्स पता है तो वो भी यूज करने के बाद आप ओम सिंबल का यूज कीजिए। ओम सिंबल आपकी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी को बहुत बढ़ा देता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बढ़ नहीं पाती, क्योंकि यानी कि सामने बहुत बड़ा पहाड़ है आपके ऊपर और आप केवल छोटी छोटी गोलियों से गोलीबार करोगे तो वो पहाड़ नहीं टूटने वाला नेगेटिविटी का, आपको सीधा तोप से सीधा वार करना पड़ेगा। और बहुत बड़े बड़े गोले जब जाएंगे उस पहाड़ के ऊपर नेगेटिविटी, तभी टूटेगी और वो ब्लॉक टूटेंगे और आपके चक्रस धीरे धीरे और ज्यादा डिटेल में एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे सिंबल्स का पावर प्रयोग करने के बाद आपको आखिरी में ओम सिंबल यूज करना है। सबसे पहले ओम सिंबल को ड्रॉ कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। पहले इसको प्लस का चिन्ह बनाइए, प्लस यानी कि एक सीधी लाइन बनाइए, फिर एक ऐसी लाइन बनाइए वर्टिकल, ओके, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे दो, यानी कि एक प्लस हो जाएगा, ठीक है, पहले सीधी और फिर ऐसे तिरछी, प्लस हो गया। उसके बाद बीच में से एक लाइन एंटी क्लॉकवाइज खींचे, नंबर थ्री, नंबर फोर और नंबर फाइव, ऐसे तीन लाइन खींचे। मैं आपको अलग से इस सिंबल्स का पूरा एक फोटो यहां पर दिखा देता हूं। ऐसे आधा चक्र में ड्रॉ कर दीजिए और फिर फुल पावर से कंटिन्यूसली उस वाइब्रेशंस को करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, देते रहिए अपने दोनों चक्रस पर, करते जाइए। वुमेन की बात है, सबसे पहले वुमेन की बात करो तो दोनों चक्रस पर टच कीजिए। आप ये प्रयोग कंटिन्यूसली 20 मिनट्स तक कंटिन्यू हीलिंग करते जाइए अपने ऊपर, 20-25 या 30 मिनट्स तक कीजिए। आपके सारे ब्लॉकेजेस विद इन वन वीक के अंदर खुलेंगे, टूटेंगे बहुत अच्छे से। ओम सिंबल का प्रयोग करने से ये सबसे फास्ट इफेक्टिवली यूज होगा। ओम सिंबल्स ऐसी एनर्जी को डिटॉक्सिफाई करता है कि जो आपके चक्रस के अंदर बहुत सालों से अटकी हुई है ब्लॉकेजेस के स्वरूप में, चॉकलेट जैसे चिपक जाती है ना, कैसे उखड़ती ही नहीं है, ऐसे चिपके हुए ब्लॉकेजेस को निकलेगी। उसकी वजह से आपकी जो बच्चेदानी की प्रॉब्लम्स आती है, आपके मेंस्ट्रुअल साइकल्स जो आते हैं, मंथली पीरियड्स आते हैं, वो बहुत सारी ऐसी गायनेकोलॉजिस्ट की सारी प्रॉब्लम्स आती है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, पेनक्रियास को रिलेटेड, लिवर्स को रिलेटेड, डाइजेशन को रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, पेट को रिलेटेड जो वेट बढ़ते जाता है, या फिर वेट आपका कंटिन्यूसली, आप बहुत सारी एक्सरसाइज और बहुत सारी चीजें करने के बाद भी आपका वेट कम नहीं हो रहा है, आपका बॉडी फुलते जा रहा है, बहुत सारी चीजें, तो ये सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। एक वीक कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा, और इसको लगातार 21 डेज तक कंटिन्यू करने से आपका पूरा बॉडी पूरी तरीके से डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। डिपेंड्स ऑन योर बॉडी, डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल कि आप किस तरीके से कैसे लाइफस्टाइल पसंद कर रहे हैं, ठीक है। इस पार्ट का मेल के लिए मैं दूसरा वीडियो भी बना रहा हूं, वो एक हफ्ते के बाद आएगा, उसमें देखिए कि अगर मेल की एनर्जी यहाँ अटकी हुई है रूट चक्र में सबसे ज्यादा, मैंने देखा हुआ है क्योंकि हमारा हीलिंग का काफी बड़ा काम है, तो मेल की ऊर्जा रूट चक्र में बहुत सारी ऊर्जा कनेक्टेड है और वहीं से सबसे ज्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं, बीमारियों के, प्रॉब्लम्स के, फाइनेंस को लेके, मनी को लेके, डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स को लेके, स्ट्रेस, टेंशन और नेगेटिविटी, कंटिन्यूसली आप हैप्पीनेस फील नहीं करते, नेगेटिव ही हो जाते हो और आपको एक अंदर से रिलैक्सेशन ही नहीं है, आप शांति नहीं फील करते, कभी संतुष्ट नहीं हो पाते, तो ये सारी चीजें मैं उसको, इसका पूरा तरीका आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मेल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपके ग्रो और सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। फिलहाल ये चीज आप फीमेल लोग इसको जरूर अच्छे से कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। अगर आपके घर में किसी को, आपकी वाइफ को, आपके जो भी बच्चे हैं उनको ये प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर आप अपने खुद के लिए करना चाहते हैं, या फिर आप अपने लव्ड वंस के लिए करना चाहते हैं, तो आप कीजिए। अगर आप हीलिंग जानते हो तो डिस्टेंस हीलिंग के माध्यम से भी कर सकते हो, ओके। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद है और जरूर आपके लिए YouTube पर मेरी फ्री लाइब्रेरी पूरी बनी हुई है, इसको देखिए, समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। फ्री में ये ज्ञान दे रहा हूँ आपके लिए, सारी चीजें बहुत जड़ से निकाल के रख देगा। थैंक यू सो मच, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।